नगर के मुंडारा के सरकारी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में जंगलों में आवारा घूम रही गायों को ग्रामीणों ने पकड़कर अस्थायी गौशाला बनाकर बंदी कर दी, जिस दीवार को तोड़कर गायों को कई बार करीब 4 दर्जन गोवंश चुरा कर ले गए। लेकिन जब ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने इधर उधर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन गाय नहीं मिली। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने गांव में 2 बजे दोबारा पंचायत की। फिलहाल पुलिस में मामला नहीं दर्ज कराया गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रशासन के बिना अनुमति के स्कूल में अस्थायी गौशाला खोली और गायों के लिए छाया पानी की व्यवस्था की। 24 TV नेटवर्क राजस्थान के लिए नगर से लवेश मित्तल की रिपोर्ट। और फिर कब की घटना है जैसे हुई अभी? साहब रात की है, हमने सुबह फूटो मिले जब पतो पड़े। अच्छा, चाय तो जा रहा हुए साहब। हाँ। यहाँ में 5-4 तो अच्छा तगड़े तगड़े और जेंगरा खो बड़े। अब कितने जैसे मिल गए तुमने नहाये को मिले साहब? ये जो है यहाँ में यही पाए। तो बड़ी गाय कितनी है? हम वैसे बड़ी गाय बहुत ही कितनी होती यार के क्या नो अंदाज वैसे 8-10-12-13 मान लो। और बड़े बिंजार? बड़े बिंजार 8-7 तो वैसे, और छोटे मोटे और सरपंच तो सर रजेक्ट है भाई, गांव में घेरा कर रहे हैं, गांव घेरा हो और हैरो है। अच्छा सरपंच पथोरा को अपने कितने दिन चला रहे जैसे आपने? 4-5 दिन क्यों यार? 12 दिन है ये, 15 दिन हो आए साहब। अच्छा यही गांव वाले देख रेख कर रहे? देख रेख आदमी कर रहा इन पे, आदमी कर रहा मजदूर गांव ने बस्ती ने। अच्छा, फिर कोई शक संदेह कोई वजह से आप लोगों ने? भाई साहब शक संदेह तो अब कैसे बताऊं मैं, जब इंक्वायरी कर रहे पंचायत खोजन तो कर रहे हैं साहब। सही बात, खोजन को कहा खोज तो पहले बने हुए हैं, क्या पता लहरिया के खोज।